अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छे व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे है, उस टॉपिक पे अक्सर स्टूडेंट को क्यूरीज होती है। टॉपिक है कि लाइट वेट और हैवी वेट में क्या डिफरेंस है, क्या हमें लाइट वेट लगाना चाहिए या हैवी वेट लगाना चाहिए, और लोग जितने भी बिल्डर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स, वो हैवी वेट क्यों लगाते हैं। अब बात करते हैं कि लाइट वेट कब होता है और हैवी वेट जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हैवी वेट कब हैवी वेट होता है। लाइट वेट समझे कि लाइट वेट किस वक्त हम कह रहे हैं कि लाइट वेट है। कुछ बंदे कहते हैं 2.5 की प्लेटें लगा ली या हाली वज़न लगा लिया वो लाइट वेट है। नो, लाइट वेट हम कहते हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना आपका वेट है, जब आप अपने वेट से कम वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आप लाइट वेट लगा रहे हैं। जितना आपका वेट है, जब आप अपने वेट से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो ये हैवी वेट है। मिसाल के तौर पर मेरा 60 kg वेट है, अगर मैं 55 वेट लिफ्ट कर रूँ, 59 kg वेट लिफ्ट कर रूँ, 45 kg वेट लिफ्ट कर रूँ, तो ये मैं अभी लाइट वेट लिफ्ट कर रूँ, ये मेरा लाइट वेट है। अगर मेरा 60 kg वेट है, अगर मैं वेट लिफ्ट कर रूँ 61 kg, 70 kg, 80 kg, तो मैं ये हैवी वेट लिफ्ट कर रूँ। और जितना मेरा वेट है, अगर मैं उतना वेट लिफ्ट कर रूँ, तो वो ना लाइट वेट है ना हैवी वेट है, वो मीडियम वेट आ जाता है। अब बात करते हैं कि क्या हैवी वेट से साइज़ गेन होता है या लाइट वेट से साइज़ गेन होता है, साइज़ गेन कैसे होता है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो हैवी वेट क्यों लिफ्ट कर रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। जितने भी एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को देखा होगा, वो हैवी वेट लिफ्ट कर रहे होंगे। हैवी वेट लिफ्ट करने की वजह क्या है, उनके पास टाइम कम होता है, उन्होंने कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, कम्पीट करना होता है, तो वो हैवी वेट लिफ्ट करके क्या करते हैं, मसल को जल्दी ट्रेन कर लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पर, मसल पंप जल्दी हो जाता है हैवी वेट से। पंप होने का मतलब मसल के अंदर फाइबर टिश्यूज एक्टिव हो रहे हैं, सेट के दौरान जब मसल में पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है उसको हम पंप कह रहे हैं। तो लाइट वेट से अगर आपके 15 रैप्स में मसल पंप हो रहा है, तो हैवी वेट लगाने से क्या होगा, वही मसल पंप आपका 4 रैप्स में मसल उतना पंप होना शुरू हो जाएगा। हैवी वेट लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका मसल पंप जल्दी हो जाता है, और लाइट वेट लगाने से थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लग के आपका मसल पंप होता है। दोनों में फ़र्क बस इतने है। हम क्या मिथ एक बनी है कि हैवी वेट लिफ्ट करने से हमारा साइज़ गेन होता है, हैवी वेट लिफ्ट करने से हमारी बॉडी का वज़न बढ़ जाएगा, हैवी वेट लिफ्ट करने से मसल बिल्डिंग हो जाएगी। भाई ये सारी गलत बातें हैं। बॉडी कब बनेगी, वेट कब गेन होगा, वो आपकी न्यूट्रिशन सही होगी तो तब आपका वज़न बढ़ेगा, तब आपका वज़न कम होगा, तब आपकी मसल बिल्डिंग होगी, अगर न्यूट्रिशन ठीक है। तो रुपया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आज एक्सरसाइज परफॉर्म करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूँगा, हैवी वेट थोड़ा सा लिफ्ट करके वो जो मैं 15 रैप्स में वो मसल पंप करवाता हूँ, मसल में फाइबर टिश्यूज एक्टिव कराता हूँ, वो मैं हैवी वेट लिफ्ट करके 5 से 6 रैप्स में क्या करूँगा, मसल पंप करवा लूँगा, और मेरा सेट वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो गया। मेन चीज़ मसल में, कोई भी मसल बॉडी के, उसमें पेन आपने निकालना है, पंप कराना है, वो ख्वाब वो 12 रैप्स में हो, ख्वाब वो 4 रैप्स में हो, पेन अच्छा डेवलप होना चाहिए। तो हैवी वेट तब लिफ्ट करें जब आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो आप हैवी वेट लिफ्ट करके मसल को पंप करा के ट्रेन करवा लें जल्दी से। तो हैवी वेट तब हमें लिफ्ट करना चाहिए। और लाइट वेट वैसे भी जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें, लाइट वेट से करें। लाइट वेट से बेनिफिट क्या होता है कि आपको इंजरी होने के चांस कम होते हैं, आपका मसल के साथ माइंड कनेक्शन अच्छे तरीके से बनता है। इसके अलावा जो मसल आप ट्रेन कर रहे हैं उसको आप कंट्रोल वे में एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उस मसल का पता लगता है कि मैं इस एक्सरसाइज के इस मसल को ट्रेन कर रहा हूँ। हैवी वेट से क्या होगा, आपने 4 बंदे साइड पे खड़े किए होंगे और आधे से ज़्यादा तो वो हेल्प करवा रहे होंगे, और आप बस यूँ हल्का हल्का सेटिस्फेक्शन होगी माइंड में कि मैंने हैवी वेट लिफ्ट कर लिया। वो हैवी वेट लिफ्ट नहीं किया, वो बस आपके जितने भी हेल्पर हैं वो आपका वेट लिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आप लाइट वेट के साथ एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। अगर टाइम कम है फिर आप हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।